नमस्कार साथियों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर, साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसओ आईडी से। जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनको अपनी गवर्नमेंट ईमेल आईडी बनानी होती है। ईमेल आईडी किस प्रकार क्रिएट करनी है, किस प्रकार बनानी, किस प्रकार रिक्वेस्ट भेजनी है, या आपकी जो राज मेल है वो किस प्रकार चेक करनी है, और स्टेटस वगैरह आपको जानना है तो किस प्रकार जाना है, यानी कि पूरी जानकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी कैसे बनाए, किस प्रकार देखें, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा देख के, और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कल जो मैंने आई गोट कर्मयोगी पर रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार करना है उसका पूरा वीडियो बनाया था। उसमें आपको बताया था कि आपको मेल किस प्रकार बनानी है, मेल किस प्रकार देखनी है। फिर भी काफ़ी सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि जो मेल हैं वो कैसे बनानी है और किस प्रकार मेल को जो है तैयार करना, यानी कि मेल किस प्रकार होगी। तो मैंने आपको पूरी जानकारी कल भी दी थी, लेकिन आज मैं आपको पूरी ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आपको अपनी ईमेल रिक्वेस्ट भेजनी है और मेल चेक करनी है। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपनी एसओसओ आईडी है वो आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एसओसओ का जो होम पेज है वो इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको जितनी भी रिसेंट ऐप्स हैं वो नज़र आ जाती हैं। यहाँ पर नीचे आप चलेंगे तो आपको जो अदर एक्टिव ऐप्स हैं इसमें जाना है, और आपको यहाँ पर दो जो चीज़ें हैं वो करनी है। एक तो राज मेल चेक करना है, राज मेल जो यहाँ पर देखिए इस प्रकार होगा, और एक होगा ईमेल रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आपको ईमेल रिक्वेस्ट फिल करनी है तो यहाँ से करेंगे। अगर आपकी राज मेल पहले से ही बनी हुई है, यानी कि मेल आईडी पहले से ही बनी है, आपने पहले से एक्टिव कर रखी है, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने नहीं कर रखी है, आपको रिक्वेस्ट एक्टिव वगैरह करनी है तो किस प्रकार करनी है पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप जैसे राज मेल पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने राज मेल पर क्लिक किया तो इस प्रकार आपके सामने राज मेल में ये पूरी जानकारी नज़र आएगी। यहाँ पर आपको तीन वॉलेट नज़र आएंगे, यहाँ पर राज मेल यूअर गवर्नमेंट ईमेल अकाउंट नज़र आएगा, आपको यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन मिलता है, एक्टिवेट पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे आप एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। जैसे ये प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आपको इस प्रकार मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑल फ्री बेनिफिट्स राज ई वॉलेट राज ई साइन राज मेल हैव बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड ऑन योर डिजिटल आइडेंटिटी, योर राज मेल अकाउंट जो है अकाउंट विल बी एसेबल विद इन 15 मिनट्स, यानी कि इस प्रकार आपको एक्टिवेट का आप जैसे करेंगे तो इस प्रकार का आपको ऑप्शन मिल जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मिल जाता है। तो देखिए जो आपने राज मेल में जाकर एक्टिवेट किया है तो अपनी यहाँ पर आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो अगर आपकी पहले से मेल आईडी बनी हुई है तो आपको यहाँ पर आपकी मेल आईडी दिखाई देगी जिसमें आपकी एम्प्लॉई आईडी होगी, उसके साथ @rajasthan.in लगा होगा, तो इस प्रकार आप उसको राज मेल में जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो मेल आईडी नहीं बनी हुई है और आपको ईमेल रिक्वेस्ट करना है तो किस प्रकार करना है, तो देखिए इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर ईमेल रिक्वेस्ट इसमें जाना है। ये आपको अदर एक्टिव ऐप्स में मिल जाएगा, ईमेल रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन होगा, इस पर जाकर आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर इस प्रकार ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो न्यू ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट के ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है, या यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो न्यू ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेंट डिटेल्स हैं पर एसएसओ प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ईमेल अकाउंट जो है क्रिएशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा, फर्स्ट मिडिल लास्ट जो भी है, डेजिनेशन है, मोबाइल नंबर है, डिपार्टमेंट है, देखिए डिपार्टमेंट मोबाइल नंबर है, और ईमेल जो आपकी पर्सनल ईमेल है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी, DOB यहाँ पर नज़र आ जाएगी, और आपकी एम्प्लॉई आईडी जो SIPF पोर्टल पर है वो नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट वो यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि आपकी जब रिटायरमेंट होगा वो कौन सी तारीख होगी वो यहाँ से आपको फिल कर देनी है। जब आपने ऊपर की पूरी डिटेल देख ली और आपने अपनी रिटायरमेंट डेट फिल कर दी, इसके बाद आपको बी पार्ट में जाना है, और यहाँ पर देखिए प्रेफर्ड ईमेल एड्रेस, यहाँ पर दो तरीके से आप रिक्वेस्ट टाइप कर सकते हैं। पहला है सिंगल ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट है, और दूसरा यहाँ पर है बल्क ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट है। तो आपको सिंगल ही यहाँ पर करना है, तो सिंगल पर जैसे आप क्लिक करेंगे सिंगल आपके लिए है, बल्क ईमेल
जो है यहाँ पर एक साथ जो बल्कि मेल बनाई जाती है उनके लिए हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे आपने सिंगल पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है यूजर @rajasthan.government इनके नाम से हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर ये जो है @rajasthan.government इन्हें लगा हुआ है। आप चाहे तो इसमें कुछ चेंजेज वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो आगे एजुकेशन जोड़ दें, जैसे 3 अक्षर हैं एजू के तो एजू लिख दें, या अन्य डिपार्टमेंट्स जो भी हैं वो भी यहाँ पर जो है ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जो भी उनका डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड वो यहाँ पर चीज़ जोड़ सकते हैं, ताकि जिससे आपको पता रहे कि हमारी ईमेल है और गवर्नमेंट ईमेल आईडी है। तो इस प्रकार यहाँ से आप उसको भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब आपको जो फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड ईमेल अकाउंट एसोसो आईडी क्रिएशन एप्लीकेशन फॉर्म, वो फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करके आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। यहाँ पर देखिए फॉर्म किस प्रकार होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो फॉर्म मैंने डाउनलोड किया है इसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि एसोसो आईडी ईमेल अकाउंट क्रिएशन एप्लीकेशन फॉर्म है सिंगल यूजर के लिए। यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स हैं वो फिल कर दे। देखिए यहाँ पर डेजिग्नेशन नेम वगैरह, एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट है, ऑफिस एड्रेस वगैरह है, टेलीफोन मोबाइल नंबर है, DOB है, रिटायरमेंट डेट है, और जो आपके एसोसो ईमेल अकाउंट है वो है। यहाँ पर देखिए सारी जानकारी आपको जो है यहाँ पर देखिए आपकी प्रिफरेंस किस प्रकार के, दो ईमेल आप यहाँ पर कर सकते हैं एक और दो, इस प्रकार ये फिल करके यहाँ पर आपकी जो साइन वगैरह DO डेट वगैरह हैं, और यहाँ पर अप्रूवल ऑफ HOO विद सील SHO विद सील साइन यहाँ पर करवा कर, और यहाँ पर देखिए ये ऑफिस यूज के लिए हैं तो इस प्रकार हैं, और यहाँ पर पूरी टर्म एंड कंडीशन भी दे रखी है तो इस प्रकार पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप सील और डेट्स आपके यहाँ पर फिल कर दे। तो इस प्रकार ये PDF है, इसको आप फिल करके अटैच वहाँ पर कर देनी है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर अटैच कर देंगे तो यहाँ पर भी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नीचे आपको सी पार्ट मिलता है, यहाँ पर आपको रिमार्क्स या इंस्ट्रक्शन फॉर मेल से रिलेटेड कुछ भी हैं वो आप यहाँ पर कम से कम 500 जो है शब्दों में आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसमें आप अपनी जो मेल बनवाना चाहते हैं, मेल क्यों बनाना चाहते हैं, किस कारण आपको मेल क्या हो सकता है, कुछ भी चीज़ आप यहाँ पर रिमार्क में लिख सकते हैं, और यहाँ पर नोट दिया हुआ है नोट को अच्छे से आप रीड कर लें, और रीड करके यहाँ पर टिक करके आपको सबमिट करना है। इसके लिए यहाँ पर नोट दिया हुआ उसमें आप पूरी जानकारी थोड़ा सा कर लें कि ये मेल क्यों है और किस लिए बनाई गई है। देखिए द जो ईमेल आईडी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सेंडिंग पर्सनल, देखिए यहाँ पर ध्यान दें, पर्सनल प्रमोशनल मार्केटिंग मेल्स बट ऑफिशियल कम्युनिकेशन ओनली, यानी कि जो ये मेल हैं ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए हैं, आपकी पर्सनल या प्रमोशन या मार्केटिंग के लिए ये मेल नहीं है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, और यहाँ पर जो भी इसकी जिम्मेदारी वो आपकी होगी। तो इस प्रकार पूरी जानकारी दिए गए हैं, आप इंस्ट्रक्शन पूरे अच्छे से केयरफुली पढ़ लें, और इसके यहाँ पर इस पर टिक बॉक्स पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको अपनी मेल आईडी है वो डैशबोर्ड पर जाकर मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर जाकर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर आपको मिल जाएंगे, रिक्वेस्ट डेट टाइम और नेम, मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट टाइप है, डिपार्टमेंट स्टेटस और स्टेटस डेट टाइम और एक्शन वगैरह भी आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर मिल जाएगा। तो जो आप यहाँ पर ईमेल रिक्वेस्ट करेंगे वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट नंबर भी मिलेंगे, उसके माध्यम से आप उसको जो है ट्रैक भी कर सकते हैं। तो दो साथियों आपको गवर्नमेंट मेल के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली, इस प्रकार आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका और भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो जो आईगोट कर्मयोगी मिशन में आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस टाइम पे भी बताया था, इस प्रकार आप यहाँ पर जो है ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए आपको ईमेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था उसको आप डाउनलोड करके उसको भरकर, और यहाँ पर helpdesk@rajasthan.government इन पर आपकी मेल से ईमेल करना होगा, ईमेल पर ही रिप्लाई आएगा, फिर इस तरह की मेल आईडी बन जाएगी, यानी कि आपकी मेल आईडी इस तरह की यहाँ पर बन जाएगी। तो इस प्रकार दोनों तरीके से आप अपनी ईमेल रिक्वेस्ट हैं भेज सकते हैं, ऑनलाइन भेजेंगे तो बेस्ट रहेगा, और अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर ऑफलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के भेज सकते हैं। और आपकी पहले से बनी हुई तो राजमेल पर जाकर आपको किस प्रकार चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार जो है आपकी पूरी जानकारी जो है मेल की करनी हो किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, और जो भी जानकारी थी मैंने इस वीडियो में आपको देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को
को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।